आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 60,50,875 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 88,600 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,124 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 95,101 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 764 नए संक्रमित मिले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को 11,042 सैंपल निगेटिव मिले, जबकि 764 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। देहरादून जिले में सबसे अधिक 241 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 139, पौड़ी में 90, उधम सिंह नगर में 90, नैनीताल में 50, उत्तरकाशी में 36, टिहरी चमोली व चंपावत में 25-25, रुद्रप्रयाग में 16, पिथौरागढ़ में 11, अल्मोड़ा में 9 और बागेश्वर जिले में 8 मरीज मिले हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 2, मैक्स हॉस्पिटल में 4, सुशीला तिवारी अस्पताल कॉलेज में 1 और एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कुल 574 मौतें हो चुकी हैं। रविवार को 813 मरीज डिस्चार्ज किए गए, इन्हें मिलाकर के 35,462 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,799 है, जिनका उपचार चल रहा है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 47,045 हो गई है, जबकि 35,672 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 10,799 केस एक्टिव हैं, 574 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,476, बागेश्वर में 598, चमोली में 961, चंपावत में 750, देहरादून में 12,580, हरिद्वार में 9,046, नैनीताल में 5,733, पौड़ी गढ़वाल में 1,899, पिथौरागढ़ में 1,033, रुद्रप्रयाग में 667, टिहरी में 2,176, उधम सिंह नगर में 8,241, उत्तरकाशी में 1,885। तो टोटल मामले 47,045 हो गए हैं। विरोध के बीच कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति की मुहर बने कानून। तो किसान और विपक्ष के विरोध के बीच तीनों कृषि विधेयक रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। संसद के मानसून सत्र में पारित किसानों की बिचौलियों से मुक्ति दिलाने वाले विधेयक 5 जून को घोषित अध्यादेशों की जगह लेंगे। LAC पर भारत ने तैनात किए भीष्म अजय टैंक व युद्धक वाहन। तो पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने 0 से 40 डिग्री कम तापमान पर चीन से निपटने की तैयारी कर रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर LAC के पास चुमार और डैमचौक इलाकों में सेना ने बख्तरबंद वाहनों के साथ T-19 भीष्म और T-72 अजय टैंकों को BMP-2 इन्फेंट्री युद्धक वाहनों की तैनाती की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह नहीं रहे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह 82 जो कि वर्ष के थे, उनका रविवार को निधन हो गया। वह 6 साल से कोमा में थे। कोरोना संक्रमित के शव को भी नहीं बख्शा। तो खबर है ये श्रीनगर पौड़ी से, जहां पे कोरोना पीड़ित के शव को भी लालची लोगों ने नहीं बख्शा। बेस अस्पताल श्रीकोट में कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसके शव से सोने की चैन व और कुंडल गायब हो गए। मृतका के पुत्र व श्रीनगर नगर पालिका के सभासद विभोर बगवान ने इसकी शिकायत DM से की है। DM ने मामले को गंभीरता बताते हुए जांच की बात कही है। आने लगे पर्यटक मसूरी के होटलों में 80% बुकिंग। तो COVID-19 से जुड़े अनलॉक प्रक्रिया के तहत राहत मिलने के बाद सैलानी पहाड़ों की ओर लौटने लगे हैं। पर्यटन दिवस के दिन पहाड़ों की रानी मसूरी समेत प्रदेश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल रही। अगले वीकेंड के लिए मसूरी के होटलों में 80% बुकिंग हो चुकी है। गंग नहर में समाई टैक्सी 2 महिलाओं की मौत हो गई। तो देहरादून से कोटद्वार जा रही प्राइवेट टैक्सी पूर्वी गंग नहर में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे जदयू में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हिंदी भी आधिकारिक भाषा। तो जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड में साल भर आएंगे पर्यटक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यटक साल भर उत्तराखंड में आ सकें, इस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। पर्यटन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर के इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों पर हिमपात। तो बद्रीनाथ में नीलकंठ और नरनारायण पर्वत की ऊंची चोटियों पर हिमपात शुरू हो गया है। बद्रीनाथ की चोटियों पर यात्रा सीजन में पहली बार हिमपात हुआ है। रविवार की सुबह से ही ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी रहा। उमा भारती के पॉजिटिव आने से हड़कंप। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना पॉजिटिव की खबर सामने आने के बाद जोशीमठ में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग 28 सितंबर सोमवार को उन सभी लोगों का टेस्ट कराने जा रहा है जो उमा भारती के संपर्क में आए थे। इस बात की पुष्टि एसडीएम जोशीमठ एके चनियाल ने की है। 5 वर्षों से भी नहीं भर पाए 26 सहायक अध्यापक और 22 प्रवक्ताओं के रिक्त पद। तो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के शिक्षा विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री की गृह जनपद में सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है। कई बार मांग करने के बाद भी शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पा रही है। काशीपुर ब्लॉक के 7 इंटर कॉलेजों में 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 116 सहायक अध्यापक के 29 और 64 प्रवक्ता के 22 पद रिक्त चल रहे हैं। जीजीआईसी काशीपुर में सबसे अधिक 25 में से 15 सहायक अध्यापक और 17 प्रवक्ताओं के 9 पद रिक्त चल रहे हैं। जीआईसी महुआ खेड़ा गंज में तो स्कूल की स्थापना के दौरान से ही पद रिक्त चल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि भौतिक विज्ञान और साथ हिंदी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित भौतिक विज्ञान, ये सभी के सभी यहाँ पर पद जो हैं वो प्रवक्ताओं के रिक्त चल रहे हैं। तो वहीं पिछले 2 वर्षों से जीआईसी जोशीमाजरा, प्रतापपुर, बांसवाड़ा में छात्र मेरिट में आए थे। करीब 5 वर्षों से ब्लॉक में 29 सहायक अध्यापक, 22 प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। 10 अति शिक्षक रखे गए हैं। पद रिक्त होने से विद्यार्थी मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं। इस वर्ष एक भी छात्र मेरिट में नहीं आया। हर महीने शिक्षकों की मांग की जाती है। इस साल रिक्त पद भरने की उम्मीद है। तो अगर इस साल एलटी और प्रवक्ता की भर्ती होती है तो जगह जगह जहाँ पर स्कूलों में शिक्षकों के जो पद हैं उनको भरा जाएगा। जेई एडवांस में 396 अंक का आया पेपर। तो कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच आईआईटी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस रविवार को हुई। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। छात्र 1 घंटा पहले सेंटरों पर पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन जरूरी किया गया था। छात्रों को इस बार पेपर ने चौंकाया। पेपर 396 अंकों का आया था। पिछले साल 372 अंकों का पेपर आया था। छात्रों ने पेपर का औसत और पिछले साल की तुलना में आसान बताया है। आप वर्करों पर राष्ट्रध्वज के अपमान का मुकदमा। तो राष्ट्रध्वज के अपमान को लेकर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर बीते 23 सितंबर को विधानसभा सत्र के दौरान कूच करते वक्त राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप लगा है। अनार 160 रुपये किलो, हिमाचल का सेब कश्मीर से महंगा। तो बाजार में फलों के दाम में अब तेजी आने लगी। अंगूर 160 रुपये किलो तक बाजार में बिक रहा है, वहीं कश्मीर का सेब 40 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश का सेब 10 से 20 रुपये महंगा बिक रहा है। मिठाई के डिब्बे पर 1 अक्टूबर से एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा। तो 1 अक्टूबर से आप मिठाई खरीदेंगे तो डिब्बे पर एक्सपायरी डेट भी लिखी मिलेगी। 1 अक्टूबर से यह अनिवार्य होने वाला है। यानी मिठाई विक्रेताओं को ग्राहकों को यह जानकारी देनी होगी कि मिठाई का प्रयोग कितने दिन तक कर सकते हैं। ऐन त्यौहारी सीजन से पहले लागू हो रहे इस नियम से मिठाई कारोबारी में संशय जरूर है, क्योंकि पहली बार खुला बिकने वाली मिठाई पर भी इसे लागू किया जाएगा। रोडवेज की सहकारी समितियों की जांच होगी। तो रोडवेज में सहकारी समितियों के नाम पर चल रहे घालमेल की जांच होगी। एमडी रणवीर सिंह चौहान ने सहकारिता विभाग को रोडवेज कर्मचारियों की 7 अलग अलग सहकारी ऋण समितियों का ब्यौरा भेज जांच कराने का अनुरोध किया है। भाजपा 15,000 आदर्श कार्यकर्ताओं को तैयार करेगी। तो भाजपा राज्य भर में शुरू हो रहे प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 15,000 आदर्श कार्यकर्ता तैयार करेगी। ये पार्टी के लिए चुनाव में नींव के रूप में काम करेंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए ठोस नीति बने। तो नियुक्ति से छूटे अतिथि शिक्षकों ने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने पर जोर दिया। रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
आसा रोड़ी और रेलवे स्टेशन से कोविड जांच टीमें हटेंगी। तो प्रदेश में पर्यटकों को जांच न कराने एवं क्वारंटाइन की बाधा खत्म करने के बाद कोरोना जांच में कमी आई है। आलम यह है कि 3 दिन से आसा रोड़ी एवं रेलवे स्टेशन पर एक भी जांच नहीं हुई है। यहां पर लगे कर्मचारियों को विभाग अब पाबंद कॉलोनियों में भेजने की तैयारी कर रही है ताकि यहाँ पर संक्रमण की चेन को रोका जा सके। भाजपा विधायक नेगी को कोरोना, तो द्वाराहाट विधायक महेश नेगी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। खुद नेगी ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल वह गुरुग्राम के ऑर्टिनेस अस्पताल में भर्ती हैं। एसीआर के रार से बचना चाहती है सरकार, तो मंत्री बनाम नौकरशाही से होना पड़ रहा है असहज। जिन मंत्रियों से तालमेल नहीं उन्हें नहीं मिल रही अफसरों की मूल्यांकन रिपोर्ट। तो राज्य मंत्री बनाम आईएएस अफसर के बीच छिड़ा विवाद, सचिवों की वार्षिक चरित्र पंजिका पर जा अटका है। एसीआर को लेकर के सरकार के कुछ मंत्रियों ने जो राय जाहिर की है वो बता रही है कि अफसर अपनी स्वतः मूल्यांकन रिपोर्ट देने में हिला हवाली कर रहे हैं। मामला लोकशाही बनाम नौकरशाही का हो जाने के कारण कार्मिक विभाग के अधिकारी भी चुप हैं। हाई टेंशन लाइन से युवक की मौत पर करें जांच, तो हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक युवक की मौत के मामले को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने सचिव ऊर्जा राधिका झा को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जिम्मेदार व लापरवाह अफसर पर कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर सचिव ने जाँच बैठा दी है। हिमालय इम्यूनिटी व्यंजनों का हब बनेगा उत्तराखंड, तो सरकार कुमाऊनी और गढ़वाली व्यंजनों की समृद्ध विरासत को मिलाकर के राज्य को हिमालय इम्यूनिटी व्यंजनों के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है। 6,500 लोगों को प्रधानमंत्री से मिलेंगे स्वामित्व कार्ड, तो राजस्व विभाग ने कार्यक्रम के लिए सूची को दिया अंतिम रूप। आपत्तियों की सुनवाई पूरी की है। गुलदार की दहशत का अंत, मगरमच्छ कर रहे हैं तंग, तो भगवानपुर से खबर है जहां पे कई दिन से ग्रामीण की दहशत का पर्याय बना गुलदार आखिरकार पकड़ा गया है। मुर्गी को खाने के चक्कर में गुलदार पिंजरे में फंस गया। वन विभाग के अधिकारियों ने गुलदार को पकड़ने के बाद चिड़ियापुर के वन क्षेत्र में छोड़ दिया। अब विभाग ने उसके 2 सांपों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए हैं। वहीं लक्सर में दरवाजे तक पहुंचा मगरमच्छ, तो तहसील क्षेत्र में मगरमच्छों की आबादी में घुसने का सिलसिला जारी है। चीन से तनाव के बीच चिन्याली सौण में बेस कैंप बनाने में जुटी है सेना, तो चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय सेना लगातार चिन्याली सौण एयरपोर्ट को अपना प्रमुख बेस कैंप बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए सेना ने पर्याप्त मात्रा में जवान व आधुनिक हथियार तैनात करने के साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के पास अपना दूरभाष केंद्र स्थापित करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टिगत सेना व प्रशासन के अधिकारियों ने इस संबंध में गोपनीयता बनाई हुई है। खटीमा में नेपाली युवक ने भाई की नृशंस हत्या, तो क्षेत्र के ग्राम छिनकी में नेपाल निवासी युवक ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने बड़े भाई को मार डाला। मृतक की ग्राम कुटरा निवासी बहन सुनीता की तहरीर पर पुलिस ने छोटे भाई पप्पू राणा के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है बड़कोट से, जहाँ पे छटांग धार में भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। एंटीबॉडी जांच के नाम पर निजी प्रयोगशाला में करोड़ों का कारोबार, तो आईसीएमआर के नाम का खुलेआम हो रहा है दुरुपयोग। विज्ञापनों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा रही है प्राइवेट पैथोलॉजी। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो बंदी से हटी तो पहाड़ों की रानी पर उमड़े सैलानी, तो कोविड-19 से जुड़ी अनलॉक प्रक्रिया के तहत राहत मिलने के बाद पहाड़ों की रानी में भी सैलानियों के गुलजार होने लगे हैं। इस शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। नैनीताल में सैलानियों से गुलजार हुए पर्यटक स्थल, तो सैलानियों की आवक शुरू होने के साथ ही नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटक स्थलों में भी भीड़ लगने लगी है। प्रीपेड मीटर से बिलों में आएगी 4% की कमी, तो अगर आप हर महीने अपने बिल में कमी लाना चाहते हैं तो आप प्रीपेड मीटर लगा सकते हैं। प्रीपेड मीटर लगाने पर घरेलू उपभोक्ता अपने बिलों में 4% की कमी ला सकते हैं। घरेलू के अलावा अन्य उपभोक्ता को प्रीपेड मीटर
लगाने पर 3% की छूट मिलेगी। ऊर्जा की बचत और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए ऊर्जा निगम ने यह स्कीम शुरू की है। देहरादून में कोरोना के 241 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 की मौत हो गई है। दून की 2 महिलाओं की हादसे में मौत। देहरादून नजियाबाद राजमार्ग पर गंगनहर में गिरी कार। तो देहरादून नजियाबाद राजमार्ग पर रविवार सुबह हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद से महिला के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मालदेवता हादसा। दिग्विजय के घर वालों का रो रो के बुरा हाल। तो मालदेवता में कार हादसे में मृतक दिग्विजय के घर में मातम पसरा हुआ है। दुकानदार को 28 लाख की चपत लगाने वाला गिरफ्तार हो गया है। तो देहरादून से खरा खबर आई है, जहां पे करीबी बनकर दुकानदार को 28 लाख रुपए की चपत लगाने वाले सातिर को पुलिस ने 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के वक्त जज की टेबल पर गिरा प्लास्टर। तो डोईवाला से खबर आई है, क्रिकेट के बाद अन्य खेल शुरू करने की कवायद शुरू होने लगी है। तो प्रदेश में क्रिकेट गतिविधि को शुरू करने की कोशिश के बाद फुटबॉल, एथलीट्स, कराटे व अन्य खेलों की गतिविधि शुरू करने के लिए खेल एसोसिएशन भी सक्रिय नज़र आ रहा है। क्लेट आज केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचेंगे अभ्यर्थी। तो विधि की प्रवेश परीक्षा क्लेट सोमवार को देहरादून के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा। UOU ने बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की तिथि। तो कोविड-19 के चलते उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने असाइनमेंट जमा कराने की तिथि बढ़ा दी है। कुलपति प्रोफेसर ओपी नेगी ने बताया कि सत्रीय कार्य 15 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क जमा करा सकते हैं। पहले पेपर में राहत, दूसरे में मिला जोर का झटका। तो देश में ITI में दाखिले को होने वाली JEE एडवांस परीक्षा इस साल भी उम्मीदवारों के लिए चौंकाने वाली साबित हुई। एक और जहां पहले पेपर ने उम्मीद को राहत दी, तो वहीं दूसरी पेपर ने जोर का झटका भी दिया। इस साल भी परीक्षा में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। गंगा में बहे हरियाणा के 6 युवक, 5 को बचाया गया, 1 लापता है। तो ऋषिकेश खबर है, जहाँ पर थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में के अंतर्गत लक्ष्मण झूला घाट पर रविवार को गंगा में स्नान के दौरान हरियाणा के 6 युवक बह गए। जल पुलिस और स्थानीय बोट संचालकों की सतर्कता के चलते 5 युवकों को बचा लिया गया, वहीं 1 युवक गंगा में डूब गया। युवक की तलाश में पुलिस ने सघन रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना में कई पदों पर मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें सोल्जर टेक्निकल कलर की वैकेंसी है। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर तक है। बॉम्बे हाईकोर्ट टेक्निकल पदों पर आवेदन, तो 111 पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर तक, इसके ऑप्शन वेबसाइट बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित कई पद खाली। तो प्रगट संगणक विकास केंद्र में 139 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, इसमें अलग अलग पद हैं। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तक रखी गई है। रिसर्च एसोसिएटेड की ज़रूरत। तो अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र दिल्ली यानी IUAC में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पर 12 हैं। तो इसकी अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सतपुली में हादसा, पैराग्लाइडर चोटिल। तो खबर है सतपुली से, जहां पर नयार घाटी में सोमवार को पैराग्लाइडिंग ट्रायल के दौरान हुई दुर्घटना में पैराग्लाइडर गंभीर रूप से घायल हो गया। पैराग्लाइडर को पहले हंस अस्पताल लाया गया, हालत गंभीर होने पर प्रशासन ने उसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेज दिया है। तो खबर है बड़कोट से, जहाँ पर यमुनोत्री हाईवे के छटांगधार क्षेत्र में बीती रात को भारी भूस्खलन से यातायात ठप हो गया। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे 67 मीटर सुरंग का होगा ट्रीटमेंट। तो केदारनाथ व केदार घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए रुद्रपुर गोरीकुंड हाईवे का संगम के समीप स्थित 67 मीटर सुरंग का इस सप्ताह से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। उच्च हिमालय क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 के पार हो गई है। तो केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 10,000 के पार हो गई। रविवार को धाम में 327 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। विवाहिता की मौत के मामले में पति, सास, ससुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बलेश्वर कस्बे में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया।
कोरोना से सहायक अभियंता और एक महिला ने तोड़ा दम, तो खबर आई है कोटद्वार श्रीनगर से, जहां पे बलभद्रपुर स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत एक सहायक अभियंता की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। उत्तरकाशी से खबर आई है जहां पे एडीजी महाराष्ट्र ने किए गंगोत्री धाम के दर्शन। वहीं नई टिहरी से खबर है जहां पे बीडीजी सदस्य के 6 लोगों ने ली उपजा की सदस्यता। खबर आई है टिहरी से पौड़ी से, जहां पे कुत्ता काटे तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने में न करें देरी। तो पौड़ी से खबर है जहां पे जिला मुख्यालय नई टिहरी और पौड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का खौफ हमेशा बना रहता है। आवारा कुत्ते राह चलते बच्चों और बड़ों पर कब हमला कर दें, इसे लेकर परिजनों के मन में हमेशा डर बना रहता है। टिहरी में आवारा कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में कभी भी कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने में देरी ना करें। IIT में दाखिले को संयुक्त प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, तो इसमें 5 को आएंगे नतीजे। 96% छात्रों ने JEE एडवांस में हिस्सा लिया। खबर एक प्रयाग से, जहां पे सेरागढ़ पुल निर्माण में देरी पर भड़के तो लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है, वहीं चक्का जाम की चेतावनी दी है। गोपेश्वर से खबर है जहां पे सिरो गांव को सड़क से जोड़ने की मांग की गई है। पौड़ी से खबर आई है जहां पे पुनर्नियुक्ति की मांग को विधायक से मिले कर्मचारी, तो जिला महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से हटाए गए कर्मचारियों ने विधायक पौड़ी से मुलाकात कर जल्द पुनर्नियुक्ति की मांग की है। रुद्रपुर से खबर आई जहां पर रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन ठप, मरीज परेशान है। 10,000 कटवा पत्थरों से सजेगा शंकराचार्य समाधि स्थल, तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पर केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के पुनर्निर्माण की भव्यता व सुंदरता को नया रूप देने के लिए 10,000 कटवा पत्थर बिछाए जाएंगे। नई टिहरी से खबर है जहां पे 321 पर्यटकों ने टिहरी झील में वोटिंग की है, तो पर्यटन दिवस पर सुबह से ही वोटिंग करने के लिए सैलानियों का टिहरी झील पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मुनि की रेती क्षेत्र में 12 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, तो एंटीजन किट खत्म होने के कारण तहसील परिसर में नहीं हुआ लोगों का टेस्ट। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की की, तो मिली ढील तो बड़े यात्रियों की भीड़, तो 7,000 लोगों को नारसंग बॉर्डर में एंट्री दी गई, वहीं 350 ने कराया पंजीकरण। 35 करोड़ रुपए से चमकेगी शहर की सड़कें, तो हरिद्वार से खबर है जहां पर लोक निर्माण विभाग ने 50 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की DPR शासन को भेजी है। हरिद्वार में पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगी गंगा, तो कल PM करेंगे 68 MLD के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन। पुलिस इसी हफ्ते कोर्ट भेज सकती है रिपोर्ट, तो युवती से दुष्कर्म मामला, तो अंतिम चरण में पहुंची शांति कुंज, प्रमुख पर दर्ज केस की विवेचना। कोविड रिपोर्ट निगेटिव तो सीधे जेल जाएंगे बंदी, तो प्रदेश में अस्थायी जेलों से लगातार हो रही बंदियों के फरारी की घटनाओं को देखते हुए IG जेल ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बंदी के 15 दिन तक अस्थायी जेल में रहने की समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। नए आदेश के तहत बंदी की 1 या 2 दिन में कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई तो उसे तुरंत स्थायी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रुड़की के हरमीत का बजा अमेरिका में डंका, तो कैलिफोर्निया में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल में ऑनलाइन दी ड्रम की प्रस्तुति। वही खबर आई है पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है केंद्र सरकार, तो कई संगठनों व मजदूर यूनियनों ने कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रंगदारी मामले में नरेंद्र का गुर्गा गिरफ्तार, तो बदमाशों से प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर की थी फायरिंग, मांगे थे 1 करोड़ रुपए। पावर हाउस में मिला लापता युवक का शव, तो खबर है हरिद्वार से जहां पर ज्वालापुर निवासी एक युवक का शव पथरी पावर हाउस में मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो सीएम के निर्देश पर अफसरों ने तोड़ा करंट, तो करंट के से कमल की मौत का मामला, तो नैनीताल रोड पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर जिंदा जले कर अस्पताल कर्मी कमल रावत की मौत के मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव को जाँच के आदेश दे दिए हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे 50,000 की आबादी पानी को तरसी है, तो चार नलकूपों के ठीक नहीं होने से लोग अब टैंकरों पर ही निर्भर हो गए हैं। नैनीताल में पर्यटकों की पर्यटक स्थल सैलानियों में से गुलजार हो गया, तो सैलानियों की आमद से पर्यटक व्यवसायियों में खुशी है। 50 केस मिले, दो मरीज की मौत हो गई, तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पर कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में रविवार को कोरोना के 50 नए मामले सामने आए, जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव दो मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज एशिया की कॉपर लाइन चोरी हुई है, तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कवच को भेद कर एशिया के लिए जाने वाली कॉपर लाइन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तेंदुए के हमले से घायल ललित की हालत स्थिर, तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे थोड़ागढ़ में धारा पानी चंडाक में तेंदुए के हमले से घायल ललित मोहन जोशी की हालत स्थिर बनी हुई है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे पिरूल के तिनके से मंजू ने बुनी स्वरोजगार की नींव, तो दराहट के हाट गांव निवासी मंजू पिरूल से अपना बना रही हैं आभूषण और अन्य सजावटी सामान। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे कृषि विधेयक के मांगों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। गोला में जल्द खनन शुरू करने की तैयारी की गई है, तो खनन के लिए पर्याप्त श्रमिक जुटाना चुनौती भी बना है। कार्बेट पार्क की रात्रि विश्राम वेबसाइट खराब हो गई, तो अब तक एक भी विदेशी पर्यटक की बुकिंग नहीं हो पाई है, तो इसकी वेबसाइट यहाँ पे बताई गई corbettonline.uk.gov.in। तो 15 अक्टूबर से खुलेगी आगामी बुकिंग, तो कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की ऑनलाइन आगामी बुकिंग 15 अक्टूबर से खुलेगी। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर है, जहां पे गोमती पुल क्षेत्र में लगी हाई मास्ट, तो गोमती पुल क्षेत्र में हाई मास्ट की रोशनी से जगमगाने लगा है। पालिका ने गोमती पुल के पास हाई मास्ट लाइट लगा दी है। बाड़ीकोट में मासूम की जान लेने वाले तेंदुए को मारने के आदेश दे दिए गए हैं, तो नगर पंचायत भिकियासैंण के बाड़ीकोट में 7 वर्षीय बालिका को निवाला वाले बनाने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है और इसको मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद इलाके में 5 शूटर तैनात किए गए हैं। वन विभाग की टीम ने पिछले 9 दिनों में तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे भी लगाए हैं। गौरंग घाटी में फिर याद आई 1988 की याद, तब तेंदुए ने 14 लोगों को निवाला बनाया था, तो जिला मुख्यालय के गौरंग घाटी में 32 साल पुरानी दहशत दस्तक दे रही है। क्षेत्र में लगातार हो रहे तेंदुए के हमलों के कारण क्षेत्रवासी डरे और सहमे हैं। नेपाल ने दत्तू में खोली नई बीओपी, तो भारतीय सीमा पर अब नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के बीओपी की संख्या हुई 6। तो नेपाल ने जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों चल रही हैं उसको देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। धारचूला से काला पानी तक नेपाल से घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी निगाह रखी जा रही है। आपदा पीड़ित बोले टेंटों में कैसे कटेगी सर्द रातें, तो पिथौरागढ़ मुंशियारी से खबर है, जहाँ पे विकास खंड में आपदा प्रभावित अभी भी टेंटों और सरकारी भवनों में रहने को मजबूर हैं। सर्दी शुरू हो रही है लेकिन आपदा प्रभावितों के लिए रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ है। सीमा पुल पर व्यापारी आज शुरू करेंगे अनशन, तो व्यापार चौपट होने से झूलाघाट के व्यापारी के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। वहीं खबर आई है झूलाघाट से, जहाँ पे छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ देर रात तक चला अभियान, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे तहसील प्रशासन ने देर रात झूलाघाट पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। बेटियों के पढ़ने पर समाज स्वयं शिक्षित, तो सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में बेटी दिवस मनाया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घर संसार सुखी बनाओ कार्यक्रम किया।
अतिथि शिक्षकों ने मांगा पूरा मानदेय, तो मानदेय में कटौती किए जाने से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में अतिथि शिक्षकों में रोष है। उन्होंने SDM हिमांशु कलफल्टिया को ज्ञापन देकर बकाया मानदेय दिलाने की मांग की है। कुत्तों का सबसे ज़्यादा आतंक नैनीताल में, तो 10 माह में 5,296 लोगों को बनाया शिकार। अस्पतालों में पर्याप्त हैं रेबीज के टीके। अब सेवानिवृत्त नौकरशाह भी बन सकेंगी कुलपति, तो उत्तराखंड राज्य विधि विधेयक 2020 में कुलपति के लिए योग्यता में किया गया बदलाव। राज्यपाल की मुहर लगनी अभी बाकी है। BA प्रथम वर्ष में प्रवेश आज से, तो चंपावत से खबर है जहाँ पर डिग्री कॉलेज में BA प्रथम वर्ष में प्रवेश सोमवार से शुरू होगा। प्राचार्य डॉक्टर आभा शर्मा ने बताया कि सोमवार को अनारक्षित वर्ग के 1 से 25 मेरिट क्रमांक वाले छात्र छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगी। नहीं तोड़ा अनुशासन सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध, तो फरतियाल तलुवाघाट के विधायक पूरन सिंह फरतियाल भाजपा के प्रदेश अकालमान को सोमवार को जवाब दे सकते हैं। उन्होंने फ़ोन पर बात की है, वहीं कारण बताओ नोटिस भी मिल गया है। नोटिस का अध्ययन करने के बाद वह जल्द जवाब देंगे। दावा किया कि उन्होंने ना तो किसी तरह से पार्टी का अनुशासन तोड़ा है और ना ही पार्टी का विरोध किया है। 3 सदस्यीय साइकिल दल पंचकेदार को रवाना हुई है, तो विश्व पर्यटन दिवस पर रविवार को पर्यटन कार्यालय से पर्यावरण और सुरक्षित पर्यटन का संदेश लेकर के 3 सदस्यीय साइकिल दल पंचकेदार को रवाना हुई। खबर है ये रानीखेत अल्मोड़ा से, जहाँ पे गगास में पलटा डंपर चालक की मौत हो गई, तो रेता भरकर के द्वारा हाट की ओर जा रहा डंपर गगास पुल के पास अनियंत्रित होकर नदी में गिरा। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला। बताया जाता है कि हादसे की सूचना के बाद कई घंटे राजस्व पुलिस और द्वाराघाट पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। खबर है ये बागेश्वर से, जहाँ पे पत्थर की चपेट में आकर के मजदूर की जान चली गई। वहीं बागेश्वर से खबर है जहाँ पे 37.77 ग्राम स्मैक के साथ 5 धरे गए हैं। जल्द सुधरेगी अल्मोड़ा नगर की सड़कों की दशा, तो लोक निर्माण विभाग ने माल रोड में नालियों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और वही खबर है यह बागेश्वर से, जहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ हुई जवान की अंत्येष्टि, तो राजकीय सम्मान के साथ BSF जवान की सरयू घाट पर अंत्येष्टि हुई। जवान ने हवाई फायरिंग कर जवान को अंतिम सलामी दी। बागेश्वर से खबर है जहाँ पे दुकान में चोरी करने में लिप्त पाया गया किशोर, तो विलोना सेरा निवासी यशवंत सिंह पुत्र चंदन सिंह 25 सितंबर बागेश्वर कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया था कि उनकी दुकान से 50,000 रुपये की नकदी चोरी हो गई है। खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे लावारिस पशुओं के आतंक से चौपट हो रही है फसल, तो साल भर पसीना बहाने वाला किसान हर बार देखता है फसल की तबाही का मंजर। अल्मोड़ा में अब भी 10% राशन कार्ड नहीं हो सकी अपडेट, तो 30 सितंबर तक अपडेट करने हैं। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने में मुश्किल हो रही है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो काशीपुर में ATM तोड़ने का प्रयास किया गया है, तो मशीन न तोड़ पाने के कारण बच गई। ATM में रखी नकदी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे फरार कैदियों की तलाश में UP के 4 जिलों में पुलिस ने डेरा डाल दिया है। 72 और कोरोना पॉजिटिव मिले, तो जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को 72 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए। नेपाल सीमा से लेकर दिल्ली तक पुलिस ने बिछाया जाल, तो कोविड अस्पताल के बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हुए 3 सजायाफ्ता कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नेपाल सीमा से लेकर दिल्ली तक संभावित ठिकानों में ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दिया है। खबर है भाजपुर से, जहाँ पे कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। काशीपुर से 3 और रोडवेज बसें दिल्ली को चलेंगी, तो काशीपुर डिपो से 3 बसों को दिल्ली चलाने की अनुमति मिल गई है। 60% पानी नंदोर और 40% देवा नदी में छोड़ा जाएगा।
इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे सीमा पर बिरयानी और शराब का टैक्स वसूल रही पुलिस। तो टेम्पो और ई रिक्शा चालकों ने पुलिस को पुलिस और एसपीओ पर आरोप लगाए हैं। एनएच की मरम्मत के लिए निकाला मशाल जुलूस, तो खबर है किच्छा से। किच्छा में गोलापुल में गिरकर के शिक्षक की मौत हो गई। तो निजी स्कूल के शिक्षक की गोलापुल में गिरकर के मौत हो गई। वह साइकिल लेकर रेलवे पुल पार कर रहे थे। संतान नहीं होने पर पत्नी से करता था मारपीट, केस दर्ज किया गया। तो आदर्श कॉलोनी निवासी सपा वर्मन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह कुछ साल पहले तारक वर्मन के साथ हुआ था। तो महिला सेल में शिकायत पर भी नहीं सुलझा था मामला, जांच एसआई मंजू पवार को दी गई है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे कार बेचने के नाम पर युवक से 4 लाख रुपए की ठगी की गई है।